Enter new course taxation test two Competition uh, answer question one Mr X retired from service of Messrs Y Limited on 31st January 2020 after completing service of 30 years and one month. He had joined the company on 1st of Jan to uh, 1990 at the age of 30 years and received the following. On his retirement. Gratuity of six lakh. He was covered under the Gratuity Act. Leave and cashment of rupees 3 lakh 30,000 for 330 days leave balance in his account. He was credited 30 days leave for each completed year of service. As per scheme of company, he was offered a car which was purchased on 30th of January 2017 by the company for 5 lakh. Company has recovered rupees two lakh from him for the car. Company depreciates the vehicle at a rate of fifteen percent on SLM. An amount of three lakh as commutation of pension for two by three of his pension commutation. Company presented him a gift watcher worth rupees six thousand on his retirement. His colleagues also gifted him a television worth rupees fifty thousand from their own contribution. Following are the other particulars.

आंसर है कंपटीशन ऑफ ग्रोथ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स मिससमिटेड ट्वेंटी ट्वेंटी टोटल इनकम मिस्टर एक्स असमेटेड ट्वेंटी ट्वेंटी वन बेसिक सैलरी गिवन है ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन डेयरनेस अलाउंस फिफ्टी परसेंट हो जाएंगे इसके ये सिंपल सी बात है अब आते हैं गिफ्ट वाउचर के ऊपर गिफ्ट वाउचर इन्होंने सिक्स थाउजेंड ऐड कर दिया है तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सिक्स थाउजेंड है

कि 5000 तक तो एग्जम्ट है और 1000 ऐड कर देंगे तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे इन्होंने नोट डाल के दिया हुआ है और उन्होंने यहाँ पे 6000 लिया हुआ है तो जिन्होंने 1000 भी ऐड किया था उनका भी करेक्ट माना जाएगा फिर है ट्रांसफर ऑफ कार 56000 कार 5 लाख की खरीदी थी 30 जनवरी दो को हम किसी भी एसेट की लाइफ जो मानते हैं वो फाइव ईयर्स मानते हैं तो हर साल की बीस की जो डेपरिशन है वो हम लगाते रहेंगे दो हज़ार सतारह में से लगाई दो हज़ार अठारह तक बीस परसेंट फिर उन्नीस तक लगाई बीस परसेंट फिर बीस तक लगाई बीस परसेंट तो दो छप्पन जो वैल्यू है दो छप्पन आ गई इसकी वैल्यू उसके ऊपर हमने दो लाख रुपया जो है कंपनी ने रिसीव रिकवर कर लिया उससे तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड की एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करी है उसमें तो ये ऐड हो जाएगा अब आप बोलेंगे कि जो फिफ्टीन परसेंट है उसका क्या करेंगे फिफ्टीन परसेंट स्टेट लाइन वैल्यू है इससे इनकम टैक्स को कोई मतलब नहीं है हम अपने तरफ से एक डेपजिशन लगाएंगे अपनी तरफ इन देंस जो इनकम टैक्स ने बोला हुआ है उस हिसाब से हम डेप्रीशन लगाएंगे तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एड हो गया फिर ग्रेचुअटी एट्टी सेवन सिक्स नाइन ग्रेचुअटी सिक्स लैख की रिसीव हुई है नोटिफाइड लिमिट ट्वेंटी लैख है पहले ये टेन लैक होती थी फिर ये ट्वेंटी लैख हो गई अब एक्चुअल ग्रेचुअटी सिक्स लैख है उसके बाद इन्होंने जो ये फार्मूला होता है हमारा फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी सिक्स इंटू लास्ट ऑन सैलरी इन नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स तो इस तरह से ये फाइव लैख वन नाइन टू थ्री वन की जो है हमारी एक्जम्ट हो जाएगी इन तीनों में से जो लोअर होता है वो एग्जम्ट हो जाता है तो एट्टी सेवन सिक्स नाइन जो है हमारी टैक्सेबल ग्रेचुटी निकल के अभी लीव एंड कैशमेंट वन लैख थर्टी थाउजेंड लीव एंड कैशमेंट जो एक्चुअल रिसीव हुई है थ्री लैख थर्टी थाउजेंड नोटिफाइड लिमिट थ्री तीन लाख की है एक्चुअल रिसीव थ्री थर्टी की है और उसके बाद में टेन मंथ इंटू ट्वेंटी थाउजेंड दो लाख और कैश इक्विवेलेंट ऑफ द लीव टू हीज क्रेडिट थ्री थर्टी जितने दिनों की हुई है और थर्टी दिन के हिसाब से ट्वेंटी थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू ट्वेंटी इन सब का जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट माना जाएगा तो वन लाख थर्टी थाउजेंड जो है हमारी टैक्सेबल लीव इन कैशमेंट आ गई उसके बाद में अनकम्यूटेड पेंशन है फाइव थाउजेंड इंटू टू ये नॉर्मली तरीके से टैक्सेबल होगी कम्यूटेड पेंशन जो है वो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की जो है टैक्सेबल होगी कम्यूटेड पेंशन किस हिसाब से अमाउंट तीन लाख की रिसीव हुई है और वन बाय थ्री जो होता है उसका एग्जम्ट होता है तो तीन लाख की कमिटेड पेंशन थ्री बाई टू जो है हमें रेफर कर रही है तो इसका हम रिवर्स कर लेंगे तो साढ़े चार लाख आ गई उसका वन बाय थ्री डेढ़ लाख जो है हमें रिवर्स कर देंगे और टेक्सीबल अमाउंट आ गई डेढ़ लाख देन आगे बढ़ते हैं ग्रोथ सैलरी आएगी स्टैंडर्ड डशन फिफ्टी थाउजेंड लेकर टेक्सीबल सैलरी आएगी सिक्स एक्टी टू सेवन सिक्स नाइन लेट्स स्टूडेंट ने किस तरह से किया है बेसिक सैलरी लिख दी डेयरनेस अलाउंस लिख दिए ग्रेचुटी इन्होंने निकाल ली सही तरीके से उसके बाद में कोई प्रेजेंटेशन नहीं है इनको वर्किंग नोट्स में बनाना चाहिए आंसर के बीच में ही करने लग गए फिर शायद या तो उनके पास टाइम खत्म हो गया होगा और इन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया तो ढाई नंबर मिले हैं अच्छा परफॉर्म कर सकते थे लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज बहुत बहुत ज़्यादा वीक हैं प्रैक्टिस की नीड है हाथ से क्वेश्चन करके देखिए फिर ही आपको समझ में आएंगे लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू पीपल हाउसिंग लिमिटेड इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज वन ऑफ द बिल्डिंग प्रॉपर्टीज वॉज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक इन द बैलेंस शीट ओके द सेट बिल्डिंग वॉज लेट आउट फॉर अ मंथली रेंट एज अटेबल बायर कुड नॉट बी फाउंड ऑल अदर बिल्डिंग्स हैड बीन सोल्ड बाय द कंपनी

बिका नहीं क्लोजिंग स्टॉक में खड़ा रह गया तो वो उन्होंने रेंट पे दे दिया अब जो रेंटल इनकम आ रही है तो क्या वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या बिजनेस की इनकम है ये बताना है एक तो अगर रेंट पे देना उनका मेन बिजनेस है तब उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो मेन बिजनेस में आएगी या हाउस प्रॉपर्टी में आएगी ये दो बातें हमने बतानी है यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो जो उन्होंने लेट आउट करी है सबसे पहले जो उनका मेन बिज़नेस नहीं है लेट आउट करना उनका मेन बिजनेस है प्रॉपर्टी की सेल करना तो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी और इसमें एक और नई बात भी लिखी हुई है कि अगर आपका इस तरह से फ्लैट्स वगैरह का कोई बिजनेस है और आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो दो साल तक आप उसमें एग्जम्पन ले सकते हो उसको हाउस प्रॉपर्टी में आप टैक्स नहीं कर सकते रेंटल इनकम को दो साल के बाद वो आपकी रेंटल इनकम काउंट होने लग जाएगी प्रोवाइडेड आपको कोई रेंट रिसीव नहीं होना चाहिए अगर दो साल के बाद भी कोई रेंट रिसीव नहीं होता फिर वो ग्रोस एनुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर रेंट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा ये बात इसमें लिखी हुई है उसके बाद में इन्होंने सेकेंड पोजन में पूछा था कि अगर उनका मेन बिजनेस है मेमोरेंडम में लिखा हुआ है उनका मेन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो पीजीबीपी में ही काउंट होगा तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है आप प्रॉपर अच्छे से इसको पढ़ें आंसर को उसके बाद आंसर करें स्टूडेंट ने क्या लिखा है पीपल हाउसिंग लिमिटेड हु इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज रेंटेड वन ऑफ द बिल्डिंग बिकॉज इट कुड नॉट बी सोल्ड दिस इनकम विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बिल्कुल ही गलत है अदर सोर्स में क्यों जब हाउस प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली रेंटल के लिए हाउस प्रॉपर्टी बनाई गई है हाउस प्रॉपर्टी में इनकम बनाई गई है तो आप अदर सोर्स में कैसे टैक्स कर दोगे उसको बिकॉज इट वॉज नॉट देयर मेन बिजनेस ऑल्सो इट इज नॉट सोनली फॉर द परपज ऑफ लेटिंग आउट ऑन रेंट इट विल कम अंडर इनकम फ्राम अदर सोर्सेस तो बिल्कुल गलत है कॉमन सेंस का यूज कीजिए जब भी आप क्वेश्चन करें कॉमन सेंस और प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज बहुत जरूरी होता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वॉज टू होल्ड प्रॉपर्टीज एंड टू लेट देम आउट फॉर द रेंट देन इट वुड बी टेक्सड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ये इन्होंने सही लिखा है तो उनको एक नंबर मिल गया क्वेश्चन थ्री Nevasadan Charitable Trust is a registered under Section 12AA of Income Tax Act, 1961. It owns and manages a temple located at Mathura, meant for general public. The temple compound has residential dwellings, rooms, kalyan mandapam, halls, and shops. It provides the following information relating to supply of its services for the month of August 2020. यू आर कॉ टू कम्प्यूट द टोटल टैक्सीबल वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी दैट द गि एक्सक्लूसिव ऑफ जी एस टी ओके तो ईजी क्वेश्चन है एक्जिश चैप्टर में से क्वेश्चन है आपको सिंपल इंडिपेंडेंट केसेस दे रखे हैं आपको बताना है कि इनपे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस एटीन लैख जैसे कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो कहती है कि सबके पास घर हो घर होना चाहिए अगर उस पर उसको ही वो महंगा कर देंगे उसके रेंट के ऊपर जीएसटी लगा के तो कोई घर अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो इस वजह से उन्होंने रेजिडेंशियल जो ड्वेलिंग्स हैं उसके ऊपर रेंट हटा दिया उसके ऊपर टैक्स हटा दिया इसलिए ये एटीन लैख पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा फिर आता है रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलीग्रम्स चार्जेस पर डे ट्वेल्व अगर आपका रेंट थाउजेंड या थाउजेंड से ज़्यादा पर डे का है कोई भी आप रूम अगर एक दिन के लिए रेंट पे देते हो चाहे प्ले को देते हो चाहे डिवोटीज चाहे किसी को भी देते हो अगर वो थाउजेंड्स या उससे ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होएगा तो एट लैख जो आ रहा है वो बारह सौ पर डे के हिसाब से चार्ज हो रहा है जो थाउजेंड से ज़्यादा है तो एट लैक पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटीज चार्जेस पर डे इज़ सेवन फिफ्टी ये थाउजेंड से कम है तो सिक्स लाख जो है एग्जम्प्ट हो जाएगा रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम चार्जेस पर डे रुपीज़ फ़िफ्टीन थाउजेंड कल्याण मंडपम हॉल्स वगैरह जो होते हैं टेन थाउजेंड पर डे या उससे ज़्यादा हो तो तो वो टैक्सेबल होगा अगर उससे कम है तो वो एग्ज़म्प्ट होगा अब ये टेन थाउजेंड से ज़्यादा है टेन थाउजेंड या उससे ज़्यादा है तो ट्वेल्व लैख ये टैक्सेबल हो जाएगा ये टेन थाउजेंड से कम है तो ये एग्ज़म्प्ट हो जाएगा बात ये है कि टेन थाउजेंड को इंक्लूड करना है अगर टेन थाउजेंड भी है तो टैक्सेबल हो जाएगा यानी आपको नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन देखना है वहाँ तक एग्जम्प्ट है ये भी नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन तक देखना वहाँ तक एग्जम्प्ट है उसके बाद रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर बिज़नेसेस चार्जेस पर मंथ इज़ 9,500 फाइव हंड्रेड रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस चार्जेज आर ट्वेल्व थाउजेंड पर मंथ तो ये टेन थाउजेंड या उससे ज़्यादा पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होता है ये बारह हज़ार पर मंथ है तो ये टैक्सेबल होगा साढ़े सात लाख और ये एग्जम्प्ट होगा ये पर मंथ के बेसिस है पर डे के बेसिस पे है और ये भी पर डे के बेसिस पे है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है इसी तरह से क्वेश्चन ये ऊपर प्रोविजंस लिखी हुई हैं जो मैंने बताई हैं आपको आप इसी तरह से लिखते ना उसको उसके बाद में कॉम्पटिशन ऑफ वैल्यू ऑफ निवास सदन चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर अगस्त ट्वेंटी ये आप ऊपर लाइन ज़रूर लिखोगे इसको इग्नोर नहीं करोगे प्रेजेंटेशन का मैटर होता है तो प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आओगे इसी तरह से आप बॉक्स बनाओगे और जिस पे लगना है जिस पे लगना है वो भी लिखोगे जिस पे नहीं लगना उस पे नील लिखोगे और उसका टोटल करोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तो प्रॉपरली इसको आपको करके आना है इजी सा क्वेश्चन है फिर भी स्टिल स्टूडेंट्स ने इसमें गलतियां कर रखी हैं उन्होंने सबसे पहली बात तो प्रेजेंटेशन का बिल्कुल कबाड़ा किया हुआ है कटिंग इतनी कर रखी है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई सीधा लिख दिया कोई बॉक्स नहीं मारा कोई प्रोविजन नहीं लिखी इन्होंने फिर लिखते हैं रेंटिंग ऑफ रूम्स और पिलीग्रम्स एट लैक क्यों है ये उसके नीचे एक लाइन में यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है ना सिंस चार्जेस पर डे आर नोट बिलो टेन थाउजेंड इस तरह से आपको रीजंस भी लिखने थे और एक चार पाँच लाइन में क्वेश्चन ख़त्म कर दिया तो ये इनका गलत हो गया इसके हिसाब से आप सोच रहे होंगे कि कुछ सही भी है फिर भी गलत कर दिया क्वेश्चन ही छोटा सा है आपको इसका सही आंसर पता ही होना चाहिए जब आपने प्रोविज़न ही नहीं लिखा हमें क्या पता आपने शायद तुक्का भी लगाया हो या तो आप प्रोविज़न लिखते तो आपको मार्क्स मिलते तो ये बात आपको सोचनी नहीं है एग्ज़ाम में भी ये बात का ध्यान रखना है कि प्रोविज़न लिखनी है आपका वहाँ पे मैथमेटिक्स एस या अकाउंट्स का पेपर नहीं है वहाँ पे आपको कैलकुलेशन का मेन पार्ट नहीं होता मेन पार्ट होता है प्रोविज़न का आप जो भी काम कर रहे हो जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो उसके पीछे आपकी क्या सोच थी क्या लॉ लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसी के मार्क्स मिलते हैं क्योंकि ये पेपर एक तरह से लॉ का पेपर है टैक्स इज़ अ लॉ Then question number four. Mrs. Kajal, a registered supplier of Jaipur, has made following supplies in the month of January 2020: supply of laptop bag along with laptop to customer of Mumbai for fifty-five thousand exclusive of GST. Okay. Supply of ten thousand kits at fifty each, amounting to rupees five lakh exclusive of GST, to Ram Fancy Store in Kota. ईच किट कंसिस्ट ऑफ वन हेयर ऑयल वन ब्यूटी सोप वन हेयर कॉम यहाँ पर वो लैपटॉप बैग के साथ में लैपटॉप दे रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक है आप कभी भी मार्केट में जाओ आप कभी आपने सुना है कि आपको लैपटॉप बैग के साथ में लैपटॉप मिल गया लैपटॉप के साथ में तो लैपटॉप बैग मिल जाता है तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी लैपटॉप इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न कहाँ खा जाते हैं इन्होंने लिखा सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलोंग विद लैपटॉप तो वो प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप बैग को मान लेते हैं तो आपको हमेशा कॉमन सेंस के जरिए ये चीज़ पता लगानी है कि आपकी प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी लैपटॉप महंगा होता है लैपटॉप बैग सस्ता होता है और लैपटॉप दे रहे हैं पचपन हज़ार में तो ये प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप की है कंपोजिट सप्लाई है तो लैपटॉप का ही टैक्स रेट इस पर लगेगा पचपन हज़ार के ऊपर उसके बाद है सप्लाई ऑफ टेन थाउजेंड किट्स फिफ्टी ईच अमाउंटिंग टू फाइव लैक ठीक है एक्सक्लूसिव ऑफ जी टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा each kit ऑफ of one hair oil one beauty soap and one hair comb. अब ये ye mixed है तो जो jo mixed होती है आपको मालूम ही है कि जो सबसे sabse high rate का ka होता है उसका uska gst lag लग जाता है तो pe inhone इन्होंने beauty soap ka का जो है सबसे ज्यादा hai है तो वो लग जाएगा lakh लाख के ऊपर उसके बाद हंड्रेड किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर ऑन अकेजन ऑफ मिसिज काजल्स बर्थडे

और उसका आईटीसी भी नहीं लिया तो ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ब्रदर्स सन्स मैरिज फंक्शन इन इंदौर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज इज 80,000, बट ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज एंड सर्विस काइंड क्वालिटी इज नॉट अवेलेबल तो ये भी एक अनरिलेटेड कस्टमर को अनरिलेटेड बंदा जो ब्रदर्स के सन की मैरिज है तो वो जो है अनरिलेटेड ही माना जाएगा वो रिलेटेड के डेफिनेशन में नहीं आता है तो उसको जो भी सर्विस दी है फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू द फंक्शन गार्डन इन एजमेर फॉर रुपीज थ्री लैक थर्टी थाउजेंड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स ट्वेंटी एक्सक्लूसिव जी एस टी फॉर ईच चेयर एंड ईच कूलर तो चौदह सौ चेयर्स हैं हंड्रेड कूलर हैं तो पंद्रह सौ प्रोडक्ट हो गए पंद्रह सौ इंटू ट्वेंटी जो तीस हजार जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है फ्रॉम काजल गो डाउन टू जयपुर टू द फंक्शन गार्डन अजमेर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स एंड कूलर इज पेड बाई मिसिज काजल टू एन अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ओके इंटरेस्ट ऑफ सिक्सटी फोर हंड्रेड इंक्लूडिंग जी एस टी वॉज कलेक्टेड बाई मिसिसज काजल फ्राम राम फैंसी स्टोर जो ये सेकेंड में थी ना बात कही हुई थी उनसे इन्होंने चौंसठ सौ रुपया लिया है फॉर पेमेंट रिसीव्ड विद डिले ऑफ थर्टी डेज तो चौंसठ सौ रुपया इंटरेस्ट का लिया है इन्होंने डिलेड पेमेंट तो आपको पता ही है ये भी सप्लाई माना जाता है बट इंक्लूजिव ऑफ जी एस टी होता है ये यहाँ पर नाम भी लिखता है इंक्लूजिव ऑफ जी एस टी तो भी ये इम्प्लाइड था ये इंक्लूडेड जी एस टी है तो आप इसको भी सेकेंड पॉइंट में एड कर दोगे इसकी ग्रोसअप वैल्यू करके ये रेट्स दे रखे हैं ईजी है तो इसका क्या करना है आपको जो थ्री लैख थर्टी थाउजेंड जो है थर्टी थाउजेंड इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो इसको आप कंपोजिट सप्लाई मानेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूडेड है और ये मिक्स नहीं है ये मिक्स सप्लाई नहीं है ये कंपोजिट सप्लाई है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जरूरी थी इसके लिए तो ये कंपोजिट सप्लाई है और जो मेन वो लोग भेज रहे हैं वो चीज चेयर एंड कूलर का रेट देखते हैं 12% परसेंट और ट्रांसपोर्टेशन का 5% परसेंट तो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई क्या है चेयर एंड कूलर्स 12% परसेंट तो उसके हिसाब से इसका जीएसटी लग जाएगा और 6400 का जो है ग्रोसिंग अप करके 5000 वैल्यू आ जाएगी वो इसमें हम ऐड कर देंगे पाँच लाख में तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था इन्होंने भी इसी तरह से किया हुआ है आपकी जो मेन दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है लेकिन प्रेजेंटेशन की मेन दिक्कत होती है इस तरह से बॉक्सेस बनाइए अमाउंट लिखिए सी जी एस टी एस एस टी आई जी एस टी का अमाउंट इस तरह से आप लिखेंगे और फुली उसको एक्सप्लेन करेंगे चाहे नोट बना के चाहे उसके अंदर ही आप कर दीजिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोट बनाएँ वो अच्छा प्रेजेंटेशन होता है रैदर देन कि आप उसी के अंदर अपना अपनी बात लिख रहे हो आप नोट्स बनाएँ जरूर और ये पाँच लाख पाँच हज़ार चौंसठ सौ का ग्रोसिंग अप करके पाँच हज़ार वैल्यू आई थी वो ऐड कर दी और एक बात और आई जी एस टी इंटरेस्ट रेट और इंटर स्टेट का आप पूरा ध्यान रखेंगे कई बार आप ऐसा होता है कि इंटर वाली इंट्रा में डाल देते हो इंट्रा वाली इंटर में डाल देते हो ये दोनों निल हो गए थे और तीन तीस के ऊपर हमने बारह परसेंट के हिसाब से टैक्स लगा दिया और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जहाँ से हमने ली थी अनरजिस्टर्ड से उसका जो टैक्स है जी टी ए का वो हम रिवर्स चार्ज में हम पे करेंगे तो इतनी जो टैक्स पेबल हमारा बनता है वो इतना बनता है उसके बाद जो बातें मैंने बोली हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं आप भी इसको प्रॉपरली नोट्स को एक्सप्लेन करके आइए अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इजी क्वेश्चन है देखने में ही बड़ा लगता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ने देखते हैं किस प्रकार से किया इसको उन्होंने ना ही कोई बॉक्स बनाया सीधा प्रेजेंटेशन बेकार करी हुई है फिफ्टी फाइव थाउजेंड के ऊपर नाइन परसेंट नाइन परसेंट लगा दिया हालांकि ये आईजीएसटी का मैटर था एटीन परसेंट लगना था तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया इनका फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन्होंने इंटरेस्ट को कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन दिस केस जीएसटी बिल नॉट भी चार्जेबल एज आर गिवन एज फ्री गिफ्ट बिच आईटीसी क्रेडिट हैज़ नॉट बीन टेकन देयर फॉर इट इज नॉट सप्लाई अंडर जी एस टी क्रेडिट हैज़ नॉट बीन टेकन देअर फोर इट इज़ नॉट सप्लाई हैंस नो जी एस टी ये बात सही लिखी हुई है इन्होंने उसके बाद इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है सच्ची बेंट मेमेंट सर्विस प्रोवाइडेड विदाउट कंसीडरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई एंड हैंस नो जी एस टी इज पेबल तो विदाउट कंसीडेशन का तो मतलब ही नहीं होता ना यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात लिखनी थी कि अनरिलेटेड है या रिलेटेड है अनरीट था वो बात लिखनी थी आपको यहाँ पर तो बिना कंसीडरेशन के अब भी ये सप्लाई हो ही जाती है अगर रिलेटेड पर्सन को हो तो ये इन्होंने यहाँ पे रीज़न गलत लिखा है फिर उसके बाद में इन्होंने कूलर एंड चेयर्स के लिए लिखा हुआ है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को इन्होंने इंक्लूडेड नहीं माना ये कंपोजिट सप्लाई थी इन्होंने अलग अलग मान लिया और टैक्सेस पे लगा दिया दिस विल बी पेड मिस काजल रिवर्स चार्ज तो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी प्रेजेंटेशन बहुत वीक थी ध्यान रखिए इन बातों का आप तभी एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे जब आप यहाँ पे सही करके जाएंगे अगर आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम में सही कर लेंगे जब तक आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होती तब तक एग्ज़ाम में कैसे कर पाएंगे प्रॉपरली ध्यान देख के आप एग्ज़ाम कीजिए क्वेश्चन पाँच फाइव मिसिज रोहिणी रवि अ सिटीजन ऑफ यू एस अ रेजिडेंट एंड ओनली रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी she owns a house property at los angeles usa which is used as her residence the annual value of house is dollar 20000 the value of one usd may be taken as rupees 65 she took ownership and possession of a flat in chennai on 1st of july 2019 which is used for self occupation while she is in india the flat was used by her for 7 months only during the year ended 31st march 2020. the municipal valuation is rupees 32,000 per month and fair rent is rupees 4 lakh 20,000 per annum. she paid the following to corporation of chennai. property tax, service tax, she had taken a loan from standard chartered bank in june 2017 for purchasing this flat interest on loan was as under period prior to 1st april 2019 49200 1st april 2019 to 30th june 2019 50800 1st july 2019 to 30th 31st march 2020 131000 she had a house property in Bangalore which was sold in March 2016. In respect of this house, she received a year of rent of Rs. 60,000 in March 2020. This amount has not been charged to tax earlier. Compute the income chargeable from house property of Mrs. Rohini Ravi for the assessment year 2021. ईजी सा क्वेश्चन है कुछ भी नहीं करना इसमें आपको सिर्फ प्रविजन पता होनी चाहिए सिंस द इज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डनरली रेजिडेंट इन इंडिया हर ग्लोबल इनकम बुट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम इनकम अर्नड इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया विल फॉर्म पार्ट ऑफ अर टोटल इनकम शी प्रसिज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एट लॉस एंजलिस एज वेल एज एट चेन्नई शी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन इंस्पेक्टर ऑफ बोथ ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज तो अमेंडमेंट हुई थी पहले एक हाउस हमें मिलता था सेल्फ सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए लेकिन अब दो तो मिलने लग गए एज रिगार्ड द बेंगलोर हाउस एरियज ऑफ रेंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इन दर ऑफ रिसीट अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव ए इट इज़ नॉट असेंशियल दैट सी शुड कंटिन्यू टू बी द ऑनर थर्टी परसेंट ऑफ द एरियर ऑफ रेंट शाल बी अलाउड एज डिडक्शन तो जो भी उसको एरियर मिला है चाहे उसने प्रॉपर्टी बेच ही दी है फिर भी उसको रेंट के ऊपर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा तो ये बात सेक्शन 25 ए में लिखी हुई है लेकिन उसको 30 परसेंट एरियस का डिडक्शन मिल जाएगा नाउ अकॉर्डिंगली द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसिज रोहिणी रवि बिल कैलकुलेटेड एज अंडर सेल्फ ऑक्यूपाइड का निल होता है उसके बाद दूसरे हाउस का जो चेन्नई वाला है उसका भी नील होगा देन उन्होंने लोन लिया हुआ था लोन का आपको डिडक्शन मिल जाता है अप टू टू लैख तो इनका टू लैख से कम है तो पूरा मिल गया पूरा किस हिसाब से जो उन्होंने करंट ईयर में पे किया है फिफ्टी थाउजेंड एट हंड्रेड वन थर्टी वन थ्री हंड्रेड वो पूरा मिल गया और जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है वो उनको फिफ्थ वन फिफ्थ मिल जाएगा वो फोर्टी नाइन टू हंड्रेड था उसका वन फिफ्थ नाइन एट फोर ज़ीरो तो ये पूरा टोटल हो गया वन नाइन वन नाइन फोर ज़ीरो उसका डिडक्शन मिल जाएगा उसके बाद में एरियज है आपके सिक्सटी थाउजेंड के थर्टी थाउजेंड की डिडक्शन मिल गई उनको तो फोर्टी टू थाउजेंड आ गया इसमें से लेस कर देंगे तो वन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन फोर्टी की जो है हमारा लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी आ गया तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था ईज़ी क्वेश्चन था प्रेजेंटेशन वाइज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें लेट्स सी स्टूडेंट ने किस हिसाब से किया है स्टूडेंट ने एज़ पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट now up to two houses one can show it as self occupied property okay one can show two house तो थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है सेंटेंस में तो वो आप ध्यान से लिखा कीजिए उसके बाद में है नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट लॉस एंजलिस निल लिख दिया ठीक है नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई इज निल वो भी ठीक है निल है थर्टी परसेंट डिडक्शन नहीं है फिर इन्होंने क्या किया हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सारा जोड़ दिया हालांकि फोटी नाइन टू हंड्रेड का वन फिफ्थ लेना था इन्होंने वो पूरा जोड़ दिया टू थर्टी वन इनको लो की नॉलेज है इनको पता है कि दो लाख तक जो है आपको डिडक्शन मिलता है लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन ही गलत कर रखी है इन्होंने सही से इनको आधे लो की नॉलेज है इस वजह से इनका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया और जो एरियर वाला है उसका इन्होंने कहीं पर जिक्र नहीं किया है तो हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत होना चाहिए फिर भी शायद इंस्टीट्यूट आपको एक या आधा नंबर दे दे इसका लेकिन उसका कोई रेलिवेंस नहीं है जब आपको प्रॉपरली लॉ की नॉलेज ही नहीं है तो आपको मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स मिसिज राखी इज एन एम्प्लॉई इन अ प्राइवेट कंपनी शी रिसीव द फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी रीइम्बर्समेंट ऑफ फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंसिस इंकर्ड बाई मिसिज राखी

और ये सेकंड पॉइंट में ये एक्जम्ट है थर्ड में मेडिकल अलाउंस है अब फिफ्टी थाउजेंड की जो है डिडक्शन मिलने लगी है तो मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने टैक्सेबल कर दिया था जो टू थाउजेंड पर मंथ का है ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर ईयर का उस पर टैक्स लग जाएगा देन फोर्थ बोला गया है मेडिकल एक्सपेंसिस रीएमबर्स ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फाइव तो ये जो फाइव का

खर्चा किया क्या लिखते हैं एज पर क्लोज सिक्स और फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन सेवन टू द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इंकट बाई द एम्प्लॉय वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दर्क्यूज सब्जेक्ट टू दर्टन कंडीशन Expenditure on medical treatment of employee or any member of the family of such employee outside India one lakh five thousand in this case, expenditure on travel and stay abroad of employee or any member of the family of such employee for medical treatment and one attendant who accompanies the patient in connection with such treatment one lakh twenty thousand in this case. Okay. The conditions subject to which the above expenditures would be exempt are as follows. The expenditure on medical treatment and stay abroad would be excluded from perquisite to the extent permitted by RPA. Okay. The expenditure on travel would be excluded from perquisite only in the case of an employee whose gross total income, as computed before including said expenditure, does not exceed 2 lakh. Okay. Assuming that the limit of two lakh prescribed by RBA pertains to the both expenditure on medical treatment of minor son as well as expenditure of stay abroad of Mrs. Rakhi and her minor son, such expenditure would be excluded from perquisite subject to the maximum of two lakh. If such expenditure is less than two lakh, it would be fully excluded. The foreign travel expenditure of Mrs. Rakhi and her minor son borne by the employer would be excluded from perquisite only if the gross total income of Mrs. Rakhi as computed before. इंक्लूडिंग सेट एक्सपेंडिचर डज नाट एक्सीड टू लैक तो ऑब्वियस बात है अगर हम इसमें कॉमन सेंस लगाएं जो एम्प्लॉयर एक लाख बीस हजार या एक लाख पाँच हज़ार रुपये दे रहा है इम्प्लॉ को ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियस बात है दो लाख तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होती है दो लाख से तो कहीं ज़्यादा उनकी इनकम होगी तो ये आने चाहिए थे यहाँ पर फिर भी इन्होंने एक ओपन एंडर्ड सा यहाँ पे लिख दिया है आंसर आप कंक्लूसिव भी देके आ सकते हो वहाँ पे सही रहेगा कंक्लूजिव एक आंसर देके आना लेट्स सी स्टूडेंट ने किस तरह से किया इसको रीएम्बर्समेंट ऑफ फॉलोइंग मेडिकल एक्सपेंसिस ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर इन प्राइवेट क्लिनिक ये दोनों सही लिखे हैं तीसरा इन्होंने गलत कर दिया रीपेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ मेडिक्लेम ये भी इन्होंने सही किया है मेडिकल अलाउंस यहाँ पे एग्जाम लिख दिया और यहाँ पे जोड़ दिया प्रेजेंस ऑफ माइंड पता नहीं कहाँ पे है इनका यहाँ पे ये चीज़ सही लिखी है और यहाँ पे गलत कर दिया उसके मेडिकल एक्सपेंसिव ऑन सन ट्रीटमेंट इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलो ये सही किया इन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन इज एक्जम्प्ट एक्सपेंसिव इन रिलेशन टू फॉरन ट्रेवल मेडिकल ट्रीटमेंट लिमिट अप टू प्रस्क्राइब बाई आर पी एक्सपेंस इज एक्ज एंड स्टे कॉस्ट ट्रेवलिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट पता नहीं क्या लिखना क्या चाहते हैं कोई कंक्लूसिवली कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे और ये भी गलत है तो एक नंबर इनको फिर भी स्टिल दे दिया लेकिन कंसेपचुअली थोड़े से वीक हैं ये अच्छे से आप पढ़ के पेपर दिया कीजिए इनको वैसे आप ट्रीट किया कीजिए जैसे आप अपने फाइनल एग्ज़ाम्स को लेते हैं इस तरह से एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं होता फिर भी स्टिल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे डाउट सेक्शन में डाउट रेज कर सकते हैं Thank you for watching the video. Thank you very much.